उस आदमी का इन एंड आउट मैं जाऊं, जस्ट बिकॉज दो लोग अलग हुए हैं उसका मतलब यू नहीं है कि एक औरत ही सही है या एक आदमी ही सही होगा। जब बेबी होता है ना, जब आप जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड। माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है फ्लाइंग बीस्ट एके गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डिवोर्स का रीजन। यस, ऐसी स्पेकुलेशंस हैं जो सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो जिंदगी होती है ना, जब तक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हैपनिंग दिखती है तब तक सब ठीक है। जैसे इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी अनबन होती है, वैसे ही ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं एक स्टेटमेंट देते हैं और वो ये होती है कि सोशल मीडिया जगह नहीं है फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने का। अरे भाई, फिर क्यों आप फैमिली व्लॉग्स डाल रहे थे? आजकल ऐसे कुछ चल रहा है फ्लाइंग बीस्ट एके गौरव तनेजा और उनकी वाइफ ऋतु राठी के साथ। जी हाँ, ऋतु राठी प्रेमानंद महाराज जी के पास गई, गौरव तनेजा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन पूरा मैटर आखिर है क्या? दरअसल सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर ये दावा किया गया कि गौरव तनेजा की पत्नी ऋतु राठी प्रेमानंद महाराज जी के पास गई थी और उनसे सलाह मांगी कि वो अपने पति से अलग हो रही हैं तो अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कैसे करेंगी, वो नौकरी लंबे टाइम तक नहीं कर सकती हैं क्योंकि दोनों बेटियों को पालना है, उन्हें टाइम देना है। प्रेमानंद महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए ये कहा कि बच्चों के हिस्से की संपत्ति अपने पति से मांगो और हिम्मत मत हारो, सब सही हो जाएगा। अब हुआ क्या, इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जो था गौरव तनेजा का, जिसमें वो फैंस को ये बताते दिखाई दे रहे हैं कि शादी में बच्चा होने के बाद जो पत्नियां हैं वो पति को वक्त नहीं दे पाती हैं, इसलिए जो हस्बैंड्स होते हैं उन्हें इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड फील होता है। और इन दोनों वीडियोस के बाद अब इस कपल के बीच तलाक की खबरें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गौरव तनेजा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों और अपने बच्चों की माँ के लिए चुप रहूंगा, अपनी पूरी जिंदगी सारी नेगेटिविटी और नफरत के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। पुरुषों को बहुत ही जल्द विलन बना दिया जाता है क्योंकि हम रोते नहीं हैं और हम कम बोलते हैं। इन सब के बाद आज ऋतु राठी ने अपने इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया यूजर्स को लताड़ लगाई है। ऋतु ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने तमाम बातें शेयर की, वीडियो 6 मिनट लंबा था। उन्होंने वीडियो में कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है, उन्हें अगर कुछ भी अनाउंस करना होगा तो वो इंस्टाग्राम पर आके कर देंगी। उन्होंने अपनी वीडियो में ऐसा कहा कि मैं बहुत कम आदमियों को जानती हूँ जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और वो यानी कि गौरव तनेजा उनमें से एक है, वो मेरे लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। जरा आप भी देखिए ऋतु राठी ने अपने इस वीडियो में फैंस को क्या मैसेज दिया है। वो सही, मैंने लगा मैं सही अड़ गया, वो भी मैं भी अड़ गई। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? ये सोशल मीडिया छोड़ देना है, मैंने 1 साल हो गया, आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मेरा पाथ ही डिफरेंट है। जब तक श्रीजी मिली तब तक ये सब इतना नकली लागे, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जाऊं, उसके जो उसूल है ना, मैंने आप तो सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, वो कैसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा और गारंटी लेके कह सकूं, जितने भी लोग इसने देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पावगा। आपको क्या लगता है इन्फ्लुएंसर्स का इस तरीके से अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज करना और उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में इस तरीके के उतार चढ़ाव आने के बाद जो कुछ उनके साथ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, लोग उन्हें 50 तरीके की एडवाइस देते हैं, वो कितना सही है? खासकर की गौरव तनेजा और ऋतु राठी के केस में आपका क्या कहना है, कॉमेंट करके फटाफट बताइए।